न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। राजपुर में ईद मिलादुन्नबी पर निकाले गए जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुआ पथराव। थाना प्रभारी सहित 8 से 10 लोग घायल। एसडीएम बोले, बिना परमिशन निकाला गया था जुलूस, करेंगे कार्रवाई। राजपुर में आज ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान दो पक्षों में पथराव हो गया। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और पथराव शुरू हो गया, जिसमें जहां समाज के सदर घायल हुए, वहीं थाना प्रभारी सहित कुछ पुलिसकर्मी के घायल होने की भी सूचना है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण किया, वहीं जिले का फोर्स भी मौके पर पहुंचा। एसडीएम राजपुर ने बताया कि प्रशासन द्वारा जुलूस की परमिशन नहीं दी गई थी। एक समुदाय द्वारा बगैर परमिशन के निकाला गया जुलूस, फिलहाल डीजे को जब्त कर लिया है, साथ ही संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस निकाला जा रहा बिना परमिशन से, इसमें पथराव भी हुआ, उनको तितर बितर किया, अभी शांति है और जो भी आसपास है उनको भगा रहे हैं। सब दो दो लोगों को लगी है, सब छोड़ देखने को थोड़ी लगी है, बाकी इसका इलाज चल रहा है। सर, ये परमिशन नहीं दी तो सर, इसके जो भी जब्त किया है, जो बिना परमिशन चल रहा था।